नमस्कार दोस्तों, मैं निकलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मेरे साथ एक बेहद ही प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, तमिलनाडु के हैं, चेन्नई के, मुरली कार्तिकेयन इनका नाम है। दो बार के नेशनल चैंपियन हैं, ऑलरेडी ग्रैंड मास्टर हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि भारत के जो अगली पीढ़ी के खिलाड़ी हैं, जिन्हें कहा जा रहा है कि आने वाले समय में भारतीय ओलंपियाड टीम के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेंबर होंगे, उसमें से एक है मुरली कार्तिकेयन। खैर, मैं आपको बता दूं कि अभी मुरली 21 साल के हैं, लेकिन मुरली 19 साल या उससे पहले ही भारतीय टीम के ओलंपियाड टीम के मेंबर भी रह चुके हैं। मुरली, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी चेस बेस इंडिया में। नमस्ते भैया, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जुड़े हिंदी चेस बेस इंडिया से। थैंक यू भैया, थैंक यू। इसमें प्रेशर भैया। हाँ, मैं आप सभी को बता दूं, जितने भी दर्शक देख रहे होंगे इस वीडियो को, कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि मुरली की जो मदर टंग है वो है तमिल, बहुत ही खूबसूरत भाषा है, और हिंदी में वो इतने कंफर्टेबल नहीं है, पर फिर भी वो हिंदी में जो है आज हमारे लिए ये वीडियो करने जा रहे हैं। तो आप लोग को समझना होगा कि वो जो भी हिंदी में बोल रहे होंगे वो हमारे लिए जो है चेस के लिए बहुत बड़ी बात है। तो थैंक यू मुरली एक बार फिर से आपके एफर्ट के लिए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि मैंने अभी इनसे भी पूछा था, सूर्यशेखर गांगुली से भी पूछा था, अनूप सर से भी पूछा था, आपका शतरंज खेलना कैसे शुरू हुआ, चेस स्टार्ट कैसे हुआ? मेरा पेरेंट्स खेला था वो 2006 में। उस टाइम में मेरा पापा को एक ऑपरेशन था, वो टाइम में वो ऑपरेशन में और 15 दिन वो बेड रेस्ट में मेरा पापा। ओके। उस टाइम में हम सारे गेम्स खेला, वो लूडो खेला, कैरम खेला, और वो स्नेक एंड लैडर वो गेम्स खेला, बोर्ड गेम्स खेला। फिर मेरे पापा पूछे ये चेस गेम है, ये राजा है, ये रानी है, ओ ये पान है, ओ कुछ बोला था, मुझे इंटरेस्ट आ गया वो गेम में। क्योंकि आपको लगा कि ये थोड़ा इंटेलिजेंट लोगों के लिए तो ये अच्छा गेम होना चाहिए, अच्छा गेम है, और लूडो और स्नेक एंड लैडर में वो बोर्ड गेम से थोड़ा लक चाहिए आपको। हाँ, ओके। हाँ, मतलब यहाँ पे अगर मेरा दिमाग चल रहा है तो मैं ज्यादा कुछ अच्छा कर चल रहा है, उधर दिमाग, उधर थोड़ा लक चाहिए उधर वो गेम्स में, इधर लक नहीं है, थोड़ा पूरा आपका दिमाग से। डेफिनेटली, क्योंकि उस समय आप जो है मेरे ख्याल से 2006 की अगर हम बात करें तो आज से 14 साल पहले, तो आप कुछ 7 साल के रहे होंगे। हाँ भाई। तो ये एक एक्चुअली क्या होता है कि बचपन में क्या होता है कि हम हमेशा ऐसा कुछ करना चाहते हैं जिसमें हम जीतें। तो मुझे लगा कि ओके, तो चेस आपको लगा कि चेस आपको जो है आपके लिए अच्छा रहेगा। तो फिर कब लगा कि अब चेस प्लेयर बनना है, ये कब लगा? 2007 में एक टूर्नामेंट था उधर चेन्नई में। हाँ हाँ। वो टूर्नामेंट में वो मेरा पापा बोला कि टूर्नामेंट तो जीता के तो आनंद मीट आनंद देखेंगे, तो फिर मतलब लाइक आनंद से मिलेंगे। इफ यू फिन फर्स्ट प्राइस जीतेंगे तो फिर आनंद प्राइस दे देंगे। ओके, विश्वनाथन आनंद प्राइस देने आने वाले थे। ओ थोड़ा मोटिवेशन था, मैं प्रैक्टिस हार्ड वर्क किया फिर जीता वो टूर्नामेंट। ओके। फिर आनंद सर से प्राइस ले लिया मैं। ओके, फर्स्ट प्राइस। तो वो मेरा फर्स्ट टूर्नामेंट है। फिर इंटरेस्ट आ गया चेस में मुझे। फिर टूर्नामेंट्स इधर उधर थोड़ा थोड़ा टूर्नामेंट्स खेला, फिर बढ़िया टूर्नामेंट्स खेला, और तो धीरे धीरे इम्प्रूव कर दिया मैं। अच्छा मुरली, आप विश्वनाथन आनंद जी के बाद दूसरे ऐसे खिलाड़ी भी बने जो नेशनल चैंपियन बने कम उम्र में, मतलब चेन्नई से जो कि कम उम्र में बने। मेरे ख्याल से आप 17 साल के थे जब नेशनल चैंपियन बने, कितने साल के थे आप? नेशनल चैंपियन 2016 और 17 में। 2016-17। हाँ, मतलब कि वही आप 17 साल के थे जब आप नेशनल चैंपियन बने थे, जहाँ तक मैं जानता हूँ। 17 इयर्स में। हाँ, ओके। और आपने ओलंपियाड भी खेला इंडियन टीम से, तो कैसा अनुभव रहा वो इतने बड़े बड़े खिलाड़ियों के बीच अचानक आप पहुंचे, यंग थे क्योंकि बाकी सारे लोग तो सीनियर थे आपके साथ, ओलंपियाड का अनुभव कैसा रहा? हाँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मतलब लाइक मैं नया थिंग्स लर्न किया उधर। क्योंकि आपको पता है वो बड़े लोग है, वो से बहुत सीनियर्स है हमारे देश के इंडियन चेस में। वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है।
ठीक है, तो ये सब अच्छा हुआ। और अभी अभी क्या एम है मुरली आपका, आने वाले समय में क्या टारगेट है आपका? अभी तो आपको पता है कोरोना पर मुश्किल चल रहा है अभी। हाँ अभी तो आपको पता नहीं कब टूर्नामेंट आएंगे। मैं सोचा कि वो तो धीरे 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 रेट इम्प्रूव करेंगे। ये साल में 2650 वो थोड़ा थोड़ा 2750 वो एम किया मैं, हाँ बट ये कोरोना मुश्किल आ गया आपका अभी तो कोरोना ने चल गया। पता वो उम्मीद है कोरोना के बाद आप जो है वो जरूर आगे है। बढ़ोगे। हाँ चलिए ठीक है मुरली, थैंक, बहुत बहुत धन्यवाद ये सब बातें हमारे साथ बांटने के लिए। हमने आज आपसे ये भी देखा कि हम एक एक करके दो भाग बनाने वाले हैं। पहले भाग में एक गेम देखने वाले हैं आपका, फिर दूसरे भाग में एक और गेम देखने वाले हैं। ठीक और है। ये दोनों गेम आपने रिसेंटली खेले हैं, ऑनलाइन खेले हैं, लेकिन काफ़ी काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम्स हैं। तो आइए जो है एक एक करके हम ये गेम्स देखते हैं। हाँ ठीक है। तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे, अपने सुझाव हमें जरूर दें। और याद रखें, शतरंज की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें चेस बेस इंडिया चैनल से। जी हाँ, चाहे वो खिलाड़ियों के इंटरव्यू या फिर वो खेल का विश्लेषण, चेस बेस इंडिया हमेशा आपके लिए खबरें लाएगा सबसे तेज सबसे जल्दी। सब्सक्राइब करें चेस बेस इंडिया चैनल को। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी से मिलेंगे आपको सारे नोटिफिकेशन। फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर लाइक और शेयर करना ना भूलें।